एल्डिहाइड एंड कीटोन की नेमिंग के बाद इसी चैप्टर में नेमिंग आती है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एंड उसके डेरिवेटिव्स की। क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड? एक तो हो गया एसिड, एक हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक बोल दिया तो COH वाले एसिड की बात हो रही है, बस RCOH। एसिड तो कुछ भी हो सकता है, HCl, H2SO4, HNO3 भी हो सकता है, फॉर्मिक एसिड भी हो सकता है। कार्बोक्सिलिक का मतलब COH बस। अब उनके डेरिवेटिव क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड? RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, OH को हटा देते हैं एंड OH हटाकर उसकी जगह एक कोई ग्रुप लिख देते हैं। OH हटाया, इसकी जगह हमने Cl या Br या आयोडीन या X लिख दिया। ये RCO X ग्रुप कहलाएगा, एसिड हैलाइड कहलाएगा। दूसरा एसिड डेरिवेटिव क्या होगा? हमने OH हटाया और उसकी जगह हमने लिख दिया एक O, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, ये ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। यहां जो बना वो एनहाइड्राइड बनेगा। एसिड एनहाइड्राइड, पहले वाले को क्या कहते हैं? एसिड हैलाइड। थर्ड केस में हम क्या करते हैं, OH हटाया, इसकी जगह OR ग्रुप लिख दिया, क्या बचा? RCOOR, एस्टर बचा। एसिड का OH हटाया, इसकी जगह हमने NH2 ग्रुप लिख दिया, अमाइड कहलाएगा ये मॉलिक्यूल जो बना। पांच फंक्शनल ग्रुप लिखे मैंने, एक तो ये नीचे जो लिखा है सबसे पहले, ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है एसिड डेरिवेटिव वाला, RCO वाला पार्ट तो एसिड का ही है, इसमें बाकी के जो पार्ट हैं ये X बाहर से आया है, OH हटा X आ गया, OH हटा RCOO आ गया। OH हटा OR ग्रुप आ गया, एस्टर कहलाया। OH हटा NH2 ग्रुप आ गया, अमाइड कहलाया। कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग पहले हम कर रहे हैं, बाद में फिर इनकी एसिड हैलाइड की, एस्टर्स की, एनहाइड्राइड की एंड अमाइड की करेंगे नेमिंग। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग करते हैं तब कार्बन चेन, इसे बोलते हैं एल्क, प्लस एन इन आइन, ई हटाकर, ई हटाकर, ई हटाकर, क्या है ये प्राइमरी सफिक्स, ये क्या है वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स। फिर इसके बाद क्या ऐड करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स जो कि है ओइक एसिड।
ये सेकेंडरी सफिक्स है। जैसे नाम हमने लिखा CH3, वर्ड रूट एल्क क्या है, वर्ड रूट क्या है, दो कार्बन का एथ। प्राइमरी सफिक्स क्या है, ANE हटाकर। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, COH के लिए ओइक एसिड। ओइक एंड एसिड के बीच में स्पेस होगा। एथ वर्ड रूट, एन प्राइमरी सफिक्स, ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स। ये है IUPAC नेम लिखने का तरीका। और है जैसे कोई CH3, CH2, COOH। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, वर्ड रूट क्या है, प्रॉप। प्राइमरी सफिक्स क्या है, AN। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम जानना चाहिए आपको, एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम प्रोपन ओइक एसिड का प्रोपियोनिक एसिड। ये कॉमन नेम है। आ जाते हैं बीच में, कभी बीच बीच में से कॉमन नेम। फर्दर, अगर CH3, CH2, CH2, COH दिया है, आप इसे इस फॉर्मेट में लिख लो, 1, 2, 3, 4, एक ही बात है। क्या हो जाएगा, IUPAC नेम, ब्यूट, AN, ओइक एसिड। वन लिखना चाहो लिख दो, लेकिन हमेशा वन पर ही आएगा। ब्यूटन ओइक एसिड नाम होगा इस कंपाउंड का, कॉमन नेम, इसी मॉलिक्यूल का कॉमन नेम ब्यूटाइरिक एसिड। ये कॉमन नेम। अगर चार कार्बन ब्रांच पर हैं IUPAC, तो प्रोपेनोइक एसिड का एक ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, लेकिन कॉमन नेम आइसोब्यूटायरिक एसिड होगा। ये आइसो ग्रुप आ गया ना, एक कार्बन पर दो मिथाइल लगे होते हैं तो आइसो। ब्यूटायरिक एसिड IUPAC नेम, टू मिथाइल, वर्ड रूट है तीन कार्बन का, प्रॉप, AN,
ओइक एसिड। टू मिथाइल प्रोपन ओइक एसिड। ये इसका आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम। डबल बॉन्ड आएगा तो आने दो, जहां डबल बॉन्ड आएगा वहां हम ए एन की जगह ई एन लिख देंगे। जैसे कि सी एच टू, फंक्शनल ग्रुप को जरूर शामिल करना है, गिनती होगी 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 3, 4 प्रीफिक्स, 2 प्रोपाइल, 3N, 1, ये 1 एसिड। ये कंपाउंड का नाम लिखने के लिए प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एन की जगह इन होगा, ओइक एसिड तो वैसा ही रहेगा। कोई और ग्रुप आ जाता है तो उसका नाम हम लिख देंगे, जैसे CH3, COH, बड़ा फंक्शनल ग्रुप एसिड है, वन टू सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, 3-hydroxy, अब ऑल नहीं बोलेंगे इसे क्योंकि COH है, 3-hydroxy, वर्ड रूट 4 कार्बन का ब्यूट, AN सेचुरेटेड है क्योंकि ओइक एसिड। OH की जगह कोई और ग्रुप आए NH2 तो एमिनो लिख दो, एग्जाम्पल के लिए CH3, CNH2, टू एमिनो, वर्ड रूट है 3 कार्बन का, प्रॉप एन ओइक एसिड। टू अमीनो प्रोपन ओइक एसिड इज आईयूपीएसी नेम। और देखो, अगर एक से ज्यादा सीओएच ग्रुप है, सीओओएच, सीओओएच 1 और 2, दो ही कार्बन है, वर्ड रूट है एथ, ANE, ई क्यों लिखा,
क्योंकि डाइओइक एसिड आएगा, अब इथेन डाइओइक एसिड। कॉमन नेम अगर इस कंपाउंड का लिखा जाता है कभी, इसका कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड। आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ऑक्सैलिक एसिड। अब दूसरा एक और मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूं, CH2COOH। तीन कार्बन है इसके, प्रॉप के साथ आ जाएगा ANE पूरा, फिर डाई ओइक एसिड। सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट, कॉमन नेम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड एज मेलोनिक एसिड। तीन कार्बन का अगर ये है, तब चार कार्बन का भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, चार कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लिखा जाएगा, CH2CH2COOH, वन टू थ्री फोर। ब्यूटेन, ई पर ध्यान देना, लिखा है डाइओइक एसिड, कौन सी पोजीशन पर है, 1,4 पर ही हो सकता है, ब्यूट में चार कार्बन है, पहले चौथे पर ही हो सकता है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। आईयूपीएसी नेम ये हो जाएगा। इसका जो कॉमन नेम है दैट इज कॉल्ड एज सक्सेनिक एसिड, चार कार्बन का कॉमन नेम। ये सब नेम्स कॉमन भी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, मेलोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, एक और आएगा वो भी मैं बताऊंगा, एडिपिक एसिड, छह कार्बन का जो होता है वो एडिपिक एसिड कहलाता है। ये लिखा, एक और बता रहा हूं मैं, CH2 पांच का छोड़ दिया मैंने, छह का इंपॉर्टेंट है इसलिए छह का लिखा रहा हूं, COOH, छह कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया तो ये कहलाएगा हेक्सेन डाइओइक एसिड। कॉमन नेम इसका है एडिपिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, बहुत यूज है इसके, पॉलीमर वगैरह बनाने में यूज आता है, कॉमन नेम इसलिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एक अलग से रूल है, एल्डिहाइड में हमने किया था, अगर दो से ज्यादा एल्डिहाइड डायरेक्टली कनेक्टेड है तब हम उसे कार्बोल्डिहाइड कहते हैं, अल नहीं बोलते। सेम यहां पर है, अगर एक स्ट्रेट चेन पर दो से ज्यादा COOH ग्रुप लगे हैं तब हम इन कार्बन की गिनती नहीं करते, तब हम इनको क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह से लिखते हैं, इसका नाम होगा अब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। गिनती में बस इनकी करूंगा, इनकी काउंटिंग नहीं करते, कब, इफ मोर देन टू,
सी ओ एच ग्रुप, आर अटैच, आर प्रेजेंट एट स्ट्रेट कार्बन चेन। तब के लिए है ये रूल। क्या बोलोगे? प्रोपेन ई समेत वन पर, टू पर, थ्री पर, वन टू, ट्राई ओइक एसिड नहीं क्योंकि कार्बन नहीं गिना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन वन टू थ्री, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर साइक्लिक रिंग में डायरेक्टली भी कनेक्टेड है COH तो भी हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, साइक्लोपेंटेन। कार्बोक्सिलिक एसिड दो तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है, या तो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है इफ डायरेक्टली कनेक्टेड विद रिंग, या फिर ओपन चेन में अगर हूं तो दो से ज्यादा हूं, मिनिमम तीन हो, तीन चार पांच छह, तब हम इन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। जैसे हम बेंजीन पर भी अगर COH लिखते हैं तो इसे बोल देंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। या बेंजोइक एसिड भी ठीक है, IUPAC है, बेंजोइक एसिड IUPAC नेम, या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई ग्रुप आ जाता है वो ग्रुप लिख दो, जो भी ग्रुप है COOH, टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या टू हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कॉमन नेमिंग भी इसकी हम कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहलाते हैं, सैलिसिलिक एसिड is common naming of this compound, hydroxy orthosalicylic acid कहलाएगा। अगर हम इसी में बेंजीन पर दो COH लिखते हैं, IUPAC नेमिंग अलग होगी इसकी, IUPAC नेमिंग इज बेंजीन 1.2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। COH कॉमन नेम है इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमन नेम, फैलिक एसिड। फैलिक एसिड इज कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मैंने अभी आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल से जो NCERT लेवल के कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग थी ये बताई। इससे पहले मैंने कीटोन की नेमिंग बता दी थी, उससे पहले मैंने आपको बता दी थी एल्डिहाइड की नेमिंग।